नंबर पर, ऊपर से तीसरा आड़ा, आड़े में। यस सर। हाँ ऋतुजा, ऋतुजा प्लीज शेयर। एस रुकी जो ऋतुजा बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका। में ही हेलो टेल बी बॉटन। हाँ ऋतुजा बोलिए। हेलो, आई एम ऑडिबल। यस यस बोलिए। सो आई शैल बी अ बॉटनिस्ट। एंड सर ऋतुजा का नेटवर्क इशू है, वो साउंड नहीं आ रहा है उनका। अच्छा और कोई है सर आपके ग्रुप में से? और साइली नाइसे है, संयुक्ता गावंडे है, रंजना महल्ले है। रंजना महल्ले को लीजिए, उनका लास्ट टाइम भी शेयरिंग रह गया था। ओके ओके आपके व्हाट्सएप में जाके कीजिए ना, तो आपको उसमें नाम भी दिख जाएंगे। रंजना मैम ज्वाइन नहीं है सर। नहीं क्या? साइली नाइसे है। नहीं सर, तो तब तक हम यशवी का शेयरिंग लेंगे। सुरेश सर है, सुरेश सर है भी हमारे हाँ साथ। बिल्कुल। हाँ यस सुरेश सर कंटिन्यू कीजिए। सर ओके सर। यशवी, अंकित सर यशवी अनम्यूट करते क्या? अनम्यूट है सर। हेलो हेलो यशवी। हाँ हेलो सर। यस यशवी रेडी? सर। अंकित सर पोस्टर शेयर करेंगे? यस यस सर। हाँ यशवी प्लीज एक्सप्लेन। गुड इवनिंग ऑल, माई सेल्फ यशवी सचपाल एंड आई एम करंटली इन क्लास 8। माई कॉन्टेक्स्ट इज आई शैल बी अ मोटिवेशनल ट्रेनर बिकॉज टू मेक डिफरेंस इन समवन्स लाइफ टिल 2027। माई बीइंग विल बी, आई विल बी हैप्पी सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट। थैंक यू। यस सर। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया आखिरी में, सुनने का बोला माय बीइंग के बाद। यशु आप फिर से एक्सप्लेन कीजिए। हेलो एक्चुअली आपका बीइंग कैसा होगा? बीइंग आई विल बी हैप्पी सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट। गेटिंग इट? हेलो हाँ जब वो आप बोलो उसके बाद। सर, आपकी आवाज कट रही है। हाँ आप जब बन जाओगे इंटरनेशनल स्पीकर उसके बाद। उसके बाद मेरे को खुशी होगी कि मैंने दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाया। ओके लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि आपका कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्फियस हाँ उसका कॉन्टेक्स्ट का मतलब है उस बीइंग को आपको राइट नाउ में लाना है, मतलब अभी ऐसा हो जाना है। यस नाउ ऑल्सो आई एम कॉन्फिडेंट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो उस बीइंग के साथ हमको गेम खेलना है, मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। यस ओके
Yes, sir. All the best. All the best. Thank you, sir. Thank you, admin sir. Okay, thank you, sir. Ankit. Yes, sir. आप प्लीज जितने भी पोस्टर आए हैं ना एक एक करके दिखा दो, पांच पांच सेकंड के लिए स्क्रीन पे रखो और आगे आगे बढ़ाओ। हाँ सर, एक मिनट है हमारे पास, पूरे पोस्टर अभी हम शेयर करेंगे। एग्जैक्ट। ओके। सर ये पोस्टर से साइली नाइस से मैम, अभी हम हमारे पास एक मिनट है, हम इनको सिर्फ एक्सप्लेन ना करते हुए पूरे से पोस्टर ही देखेंगे। दिस पोस्टर इज अ प्रीति भड़े मैम एंड दिस पोस्टर इज अ रुतुजा निहाटकर फ्रॉम तांदूर रेलवे। दिस पोस्टर इज फ्रॉम रंजना महल्ले मैम, शी फ्रॉम खामगांव। फ्रॉम खामगांव, ओके। This poster is a Sayukta Gaonde ma'am. ये तेला रखे हैं Sayukta Gaonde। अच्छा तेला रखे। Student। Okay। The next poster is a Priya Hingankar ma'am। हाँ वो ये अकोट में रहते हैं और हम संगीत क्लास शुरू करने वाले हैं। हाँ ओके सर। This ये poster है विवेक ताड़े from Bordi। नेक्स्ट पोस्टर इज ये हो गया। हाँ नैंदा गिरे मैम। दिस पोस्टर इज भगवान संघानी। और सर ये शेयरिंग हो चुकी है अथर्व के पोस्टर से, तो सर हमारा समय भी हो गया है। yes. तो बढ़ते हैं आज की सेशन की ओर। बिल्कुल। तो सर प्लीज कंटिन्यू योर सेशन। ओके सर। सो आप सभी का इस सफल फाउंडिंग आपके साथ है, आपका सपना पूरा करने के लिए। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन अस, हम आपके साथ है हमेशा। यू कैन एनी टाइम कॉल अस रिगार्डिंग कोचिंग अबाउट योर डिप्रेशन। Anybody want to tell? कि दिखावा सुनकर आपको क्या लगा? दिखावा इस शब्द ने कुछ याद आया क्या कुछ उससे? किसी का हैंडरेंस है? और कोई अथर्व है? हाँ अथर्व, आपको क्या लगता है? हमें आनंद होना और दूसरे को देखकर जलन होना। अच्छा, हमें आनंद होना और दूसरों को देख के जलन होना। ओके थैंक यू। और कोई? नो सर। एनीबडी एल्स? कामिनी मैम है। हेलो सर।
हेलो हेलो श्री सर, आपका आवाज आ रही है। हेलो, हम आपका आवाज आ रहा है। मैं बोलूं? हेलो, लेट अस चेक श्री सर को आपका आवाज आ रहा है कि नहीं। श्री सर, आर यू देयर? सर का नेटवर्क इश्यू आ रहा है, वेट करते हैं एक मिनट। ओके, लेट अस कंटिन्यू। यस ओके, कामिनी मैम आप प्लीज शेयर करेंगे। एक्चुअली जो हम हैं उसे छुपाकर कुछ और ही दिखाना उसे दिखावा कहते हैं। एग्जैक्टली मैम। हाँ, और किसी को कुछ शेयर करना है? दिखाओ, मतलब क्या हो सकता है आज? अतुल लांडे सर है। हाँ सर, प्लीज शेयर। सर दिखावा मतलब दिखावने के मायने ये होते हैं, जो अपन रियल है यानी अपने को खुद को मालूम रहता है कि व्हाट इज मी, हु आई एम, ये अपने को खुद को मालूम है। और अपने इनर फीलिंग जो है वो अपने को मालूम रहती है, फिर भी अपन कभी कभी दुखी होने के बाद भी दूसरों को जब मिलते हैं तो कुछ उनको ये दिखाने का प्रयत्न करते कि नहीं मैं भी गम में हूँ या मुझे कोई भी दुख नहीं है। वैसे भी एक आध बार अपने को सपोज एक आधे जो बैड फीलिंग्स आती है, फिर भी अपन उसे अच्छा प्रेजेंटेशन करने का जो प्रयास करते हैं उसको ही सही मायने में दिखावा कहा जाता है। दिस इज माय ओन ओपिनियन। ओके सर, थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट है सर। हेलो हेलो अतुल सर। सर सर एक रिक्वेस्ट है, अगली बार जब शेयर करेंगे तो अपने की जगह ये बोलना आप कि मैं ऐसा करता हूँ, देखेंगे क्या पड़ता है। यस यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट रिया मैम है। श्री सर नहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहे सर अभी। कंटिन्यू कीजिए सर आप। आ गए सर अभी। यस श्री सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। सचिन मारू सर है हमारे साथ, वो बता रहे हैं दिखावा के बारे में। यस सर बताइए। हेलो। यस सर। यस सर कंटिन्यू।
रही, आपका आवाज आ रही है? हेलो सर, आप म्यूट थे। हाँ अभी अनम्यूट किया। यस सर, यस। ओके, कैन आई स्पीक? शुड आई स्पीक? प्लीज सर। ओके, फ्रेंड्स, कहा कि हम जो दूसरों के सामने अपने मन को दुखी होकर होते हैं और अच्छा कहते हैं, और अलग अलग, मैंने सबका सुन नहीं पाया, मैं मेरा नेटवर्क का इश्यू हो रहा था, तो दिखावा का सीधा सीधा मतलब है अच्छा दिखना मर्जी के खिलाफ। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले आपको मैं इस हमारे सेशन का इंटेंशन बता दूं कि क्यों ये सेशन दे रहे हैं। तो इंटेंशन है कि इस सेशन के बाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स अपने लाइफ में, आप सबको फ्रीडम, करेज और पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आपकी बीइंग में फ्रीडम का अनुभव आप करेंगे, पीस ऑफ माइंड का अनुभव आप करेंगे और करेजियस होने का अनुभव आप करेंगे। दिस इज ओरिएंटेशन फॉर टुडेज सेशन। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आज एक मेहमान को मैं यहाँ बुला रहा हूँ। एक हीरो है छोटा सा, वो आपसे बात करने के लिए आने वाला है थोड़ी देर के लिए। तो आई इनवाइट, आर यू देयर युवराज? सुरेश सर को अनम्यूट कीजिए। अंकित सर, हम युवराज का शेयरिंग लेने वाले हैं आज शुरुआत में। यस सर। सुरेश सर अभी कनेक्ट नहीं है सर। He is not able to join because of the network connection. अच्छा ठीक है, तो बीच में जब वो आ जाएगा शुरू करते हैं। जैसे अल्फिया ने कहा ना, अब यह अल्फिया ने क्या, एक्चुअली अल्फिया ने कहा नहीं, अल्फिया ने ना आज हमारा पेपर फोड़ा है, उसने एक क्लास अटेंड किया है इससे। दिखावा, हम यह क्लास लुकिंग गुड एंड अवॉइडिंग लुकिंग बैड, इट्स ह्यूमन बीइंग के लिए लेते हैं। गुण के क्यों है ना, इसको इन अपने हम ह्यूमन बीइंग्स ने ये गुण सीख लिया है, और ये लुकिंग गुड और अवॉइडिंग लुकिंग बैड एक बैरियर बन गया। अच्छा, अभी ये बैरियर किस चीज के लिए बैरियर है, कोई बताएगा आप में से? इससे पहले हम बता चुके हैं, हम आपके अलग अलग बैरियर्स को हटाने का काम करते हैं। यहाँ नया कुछ नहीं सिखाते आप, पुराना जो आपने सीखा हुआ है ना उसे भुलाने का कार्यक्रम है। तो क्यों हटा रहे हैं बैरियर, आप में से कोई, किसी को याद है? क्योंकि शेयर किया गया है इससे पहले कई बार। एनीबडी वॉन्ट टू शेयर, प्लीज रेज द हैंड। ये बैरियर है क्यों, किस चीज के लिए बैरियर है, ये रुकावट है, किस चीज के लिए रुकावट है, किस चीज के बीच में ये रुकावट है, दैट इज द क्वेश्चन। एनीबडी वांट टू आंसर? अल्फिया है सर। हाँ अल्फिया बताइए। सर, ताकि हम किसी के सामने बुरे ना दिख सके। ओके, बुरे ना दिख सके, बैरियर किस चीज का है? मतलब हमने ये कहा कि ये लुकिंग गुड और अवॉइडिंग लुकिंग बैड जो है ये बैरियर है, और ये बैरियर शब्द इससे पहले भी उपयोग में लाया गया है, ये रुकावट है, ये शब्द इसके पहले यूज किया। एनीबडी वांट टू शेयर कि किस चीज में बैरियर है?
आपकी अंदाज देख रहा हूँ मैं, मेरी तो अच्छी नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ हाँ अभी आ रही है। और किसी का हैंड रेज्ड है? नहीं सर। सर आपका वीडियो थोड़ी देर बंद रखिए, फिर आपकी आवाज आ रही है बराबर ऑफ वीडियो करके। ओके परफेक्ट। तो मैं बता देता हूँ, किसी का हैंड रेज नहीं है ना अंकित सर? नो सर। ओके सर, लुकिंग गुड ये एक बैरियर है जो हमें हमारे होल कंप्लीट एंड परफेक्टनेस को एक्सपीरियंस करने से रोकता है। याद आया आप लोगों को? सो What is looking good? हम नहीं चाहते फिर भी सिर्फ अच्छा दिखने के लिए किया गया काम या बर्ताव मतलब looking good। हम नहीं चाहते फिर भी बुरा ना दिखे इसके लिए किया गया काम या बर्ताव यानी avoid looking bad। जैसे इच्छा नहीं होते हुए भी किसी की मदद करने के लिए हम चले जाते हैं, उसने बुलाया नहीं जाऊंगा तो उसे कैसा लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, तो हम अवॉइड लुकिंग बैड करते हैं। और ये कार्यक्रम हम करते क्यों है बताएं? दो उद्देश्य होते हैं हमारे, पहला तो टू मेक इट, मतलब कुछ तो पा लेना है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है और उसको प्रमोशन चाहिए, तो उसे काम करने की इच्छा नहीं है, काम करने में मजा भी नहीं आ रहा है, पर नहीं करेगा तो बॉस प्रमोशन नहीं देने वाला है। तो कुछ तो काम अपना बनाने के लिए हम लुकिंग गुड करते हैं, टू मेक इट, या फिर टू फिट इन। जैसे कोई कंपनी है और कंपनी के अंदर मैं फिट हो जाऊं, स्टूडेंट्स को बड़ा अनुभव होगा इस बात का। स्कूल में जाते हैं, नए स्कूल में जब जाते हो तब, या फिर कॉलेज में जब एडमिशन होती है तब, वहां के बच्चे बोलते हैं कि चल यार घूमने के लिए जाएंगे, जाने की इच्छा नहीं होती है, पढ़ाई होती है, पर सोचता है नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आई वॉन्ट टू फिट इन दिस कंपनी, मुझे इस कंपनी के अंदर फिट होना है, मुझे ये लोग अलग नहीं समझे, इसके लिए चला जाता। आई डू इट टू मेक इट और टू फिट इन। ये फिट इन के चक्कर में बच्चे सिगरेट तक पी लेते हैं, फिट इन के चक्कर में सारा ग्रुप सिगरेट पी रहा है, मैंने बचपन से पी नहीं, क्या रे सिगरेट पीने में क्या है इतना, नहीं पीऊंगा तो ये कंपनी में मैं फिट नहीं होऊंगा, आई वॉन्ट टू फिट इन दिस, चलो एक बार पी लेता हूं ना, एंड देन ही बिकम एडिक्ट ऑफ दैट, राइट। तो आपको मैंने कहा था कि एक छोटा सा मेहमान हमारे साथ शेयर करने वाला है, उसे मैं इनवाइट करता हूं। सुरेश भाई आप हैं? अंकित सर? हाँ सुरेश सर है अभी। हाँ सुरेश सर बोल लीजिए। हाँ
हेलो युवराज, आर यू देयर? हाँ शरीफ भाई, हाँ युवराज है सर। हेलो हेलो सर। हेलो यूवी, कैसे हो? बढ़िया। कैसी है जिंदगी? बढ़िया। ग्रेट। तो आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं? हेलो हेलो यूवी, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हेलो, ओके, तो यूवी आप हमसे कुछ, आपकी आवाज अभी, हाँ अभी आ रही है, अभी हेलो बोला ना तो सुनाई दिया। तो हाँ यूवी कहिए। हाँ, हमको जो लगता है वो हो सकता है कि ना हो, और जो नहीं है वो हो कैसे सकता है? हमको जो लगता है वो हो सकता है कि ना हो, और जो नहीं आवाज गेली दादा। सुरेश भाई आप कंटिन्यू कीजिए तब तक। तो ये भी कहता है कि सर ये लगता है कैसे, तो हमें जैसे लगता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है बहु सेवन कोर्स मतले दोन कोर्स हमारे का भेटले नहीं जेवायला। हाँ हाँ बताइए ना पूरा ये। हाँ वो आपने बराबर बोला, लेकिन इसके बाद में आपने जो बोला हमको कुछ भी सुनने नहीं आया। ओके ओके। तो आज ये नेटवर्क सता रहा है, ठीक है। तो जो हमें जो लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हो सकता है कि ना हो, ये है ना? नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्या है क्या है? हमको जो लगता है वो हो सकता है कि ना हो। हाँ, हमको जो लगता है वो हो सकता है कि ना हो, और जो नहीं है। हाँ, वो हो कैसे सकता है? जो नहीं वो हो कैसे सकता है? जो नहीं है वो हो कैसे सकता है? तो ये चुपके चुपके नाम की फिल्म आई थी, वेरी हिट। उसके अंदर अमिताभ ने ये डायलॉग बोला था, और यूवी को ये डायलॉग याद आता है जब जब हम बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आवाज गई। सेशन इन द क्लाउड। अंकित मेरी आवाज आ रही है? अंकित गौरी आ रही है सर? आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है मेरी? हाँ आ रही है सर। ओके ग्रेट। सो लेट अस कंटिन्यू। ये लुकिंग गुड जो है ना, ये आपका सच्चा स्वरूप नहीं होता, ये आपका प्रिटेंशन होता है, ढोंग होता है, चेहरे पे चेहरा होता है। ये लुकिंग गुड का और अवॉइडिंग लुकिंग बैड का एक एग्जांपल आपको देते हैं, आपके समझ में आ जाएगा, आपको आपकी लाइफ दिखने लगेगी। इंग्रे सर आप हमारे साथ हैं? यस सर। इंग्रे सर को अनम्यूट कीजिए। हेलो आ रही सर आवाज? हाँ हाँ। तो एक लॉकडाउन के पहले हमारे बाजू में एक शादी हुई, और शादी के बाद रिसेप्शन हुआ। हम दूल्हे की तरफ से, दूल्हा हमारे घर के बाजू का था, और रिसेप्शन के बाद दुल्हन दूल्हे की माँ जो है हमारे 5-6 दिन बाद घर पे आई, और उसने बताया कैसे कैसे लोग हैं बोली इस दुनिया में। रिसेप्शन में एक जने ने बोले गिफ्ट पैकेट दिया, गिफ्ट का पैकेट,
गिफ्ट पैकेट दिया बोले, और वो पैकेट में कुछ भी नहीं था। तो इसमें देखो दो चीजें हो गई, जब वो शख्स गिफ्ट पैकेट देने वाला स्टेज पर गया होगा, तो स्टेज पर गया, दिखावा किया उसने, लुकिंग गुड में गया वो, उसने अपना पैकेट दे दिया, फोटो भी निकाल लिया होगा, वीडियो कैसेट में भी आया होगा, और पैकेट पे उसने नाम इसलिए नहीं डाला कि मैंने पैकेट में पैसे नहीं डाले ये किसी को मालूम ना हो, तो ये अवॉइड लुकिंग बैड है। तो एक ही इसमें दोनों चीज़ आ गई, लुकिंग गुड स्टेज पर, और पैकेट में पैसे नहीं डाले, नाम नहीं डाला, नाम नहीं डाला, ये अवॉइडिंग लुकिंग बैड। थैंक यू इंग्लिश सर, थैंक यू। बिल्कुल, ये बहुत ही क्लियर कट एग्जाम्पल है कि एक ही क्रिया में उनका लुकिंग गुड भी आपको दिखाई दिया और अवॉइडिंग लुकिंग बैड भी आपको दिखाई दिया। क्या आपको आपका लुकिंग गुड या अवॉइडिंग लुकिंग बैड आपने कहीं किया ऐसा दिखता है? सोचना शुरू करो। I would give you a chance to share your goods of your life, your avoiding looking bad of your life. पर ये जो looking good है या avoiding looking bad है, ये आपको क्या लगता है कब से शुरू हुआ होगा? Anybody want to answer this? कि कब से शुरू हुआ होगा looking good or avoiding looking bad? कोई जवाब देना चाहता है? अंकित सर कोई हैंड रेज है? हाँ हाँ सर, तेजू मैम है। हेलो सर। सर ये बचपन से चालू हुआ हो जब से उनके आजू बाजू के लोगों ने उनसे कहा होगा कि ऐसा मत कर। हेलो, उनसे उनसे किसे मतलब? छोटे बच्चों से, मुझे अच्छा अच्छा आपको ना, वही मैं हाँ, सोच रहा था। मुझे जब मेरे मम्मी पापा ने बोला होगा कि बेटा ऐसे हाँ, मत कर, ये अच्छा नहीं दिखेगा, मेहमान आए हैं, मस्ती हाँ, नहीं करते, तब से ये चालू हुआ होगा। बिल्कुल परफेक्ट और सही बात बोली आपने मैडम, कि ये हम लोगों को बचपन में हमारे पेरेंट्स ने या हमारे आसपास के लोगों ने कहा, ऐसा मत मैडम, ऐसे मत करो, ये अच्छा नहीं लगता, अरे मेहमानों के सामने इस तरह से करते हो, अच्छा लगता है क्या, खराब दिख रहा है। तो वो हमने लर्न कर लिया और हमें ये पता चल गया कि वही करना है जो लोगों को अच्छा लगता है, किसी के नजर में बुरा नहीं बनना है। और फिर ये आदत हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारे साथ चलती रही और ये ख्याली खतरों से बचाने वाला कवच बन गया, सुरक्षा कवच। और खतरा क्या है? लोग क्या कहेंगे। इस खतरे से बचने के लिए हमने इस लुकिंग गुड को और अवॉइडिंग लुकिंग बैड को हमारी जिंदगी का पार्ट बना लिया। हमारे इंग्लिश सर क्या बोलते हैं आप लोग क्या कहेंगे के बारे में? लोग क्या कहेंगे इस बारे में इंग्लिश सर आप क्या बोलते हो? क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? और ये रोग लग जाता है हमें, और ये इस रोग का असर कैसा है पता है? बड़ा अजीब रोग है, इट इज ऑटोमेटिक एंड इट इज इनऑथेंटिक। ये ऑटोमेटिक भी है और इनऑथेंटिक भी है। ऑटोमेटिक मतलब हम कोई जानबूझ के लुकिंग गुड करते हैं ऐसा नहीं, हमसे अपने आप उस तरह का बर्ताव हो जाता है, जानबूझ के सोच के नहीं करते कि चलो अब है ना मैं थोड़ा सा दिखावा करता हूँ, ऐसा दिखावा करने के लिए दिखावा नहीं करेंगे, अपने आप होता है। सो इट इज ऑटोमेटिक, ये रोग ऑटोमेटिक है और इनऑथेंटिक है। व्हाट डू यू मीन बाय इनऑथेंटिक? इनऑथेंटिक मतलब अप्रामाणिक। अप्रामाणिक कैसा करना है? हाँ
अल्फिया बोलिए प्लीज. हेलो सर. हाँ जी बोलिए. सर हाउ इट इज ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक ऐसा है ना कि आप जानते हो, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कई बार इस प्रोग्राम के दौरान आप लोगों को कोई सवाल पूछा जाता है, आपके मन में होता है कि मैं जवाब दूं, लेकिन आप नहीं देते, आप जानबूझ के सोचते कि चलो अब है ना मैं दिखावा करता हूं कि नहीं दूंगा. इट्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली हम हाथ हैंड वी डोंट रेज हैंड्स, होता है ना ऐसा कई बार? यस. और वो जानबूझ के नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज ऑटोमेटिक. और उसकी हो गई ना बचपन से. अप्रामाणिक भी है क्योंकि आप वो नहीं हो ना जिसका बर्ताव कर रहे हो. झूठ का चेहरा है, चेहरे के पीछे एक चेहरा है, एक ढोंग है, एक टेंशन है, एंड दैट लुकिंग गुड या अवॉइडिंग लुकिंग बैड. और हम लोगों को ना एक प्रोग्राम डल के आया है बचपन से, लोगों के नजर में अच्छे रहे, लोग हमें अच्छा बोले. देखो ना, लोग हमें अच्छा बोले इसके लिए क्या क्या नहीं करते ना. वी हेल्प देम, वी टॉक टू देम, हमको ठीक भी नहीं लग रहा है, स्टिल वी कंटिन्यू टॉकिंग, क्योंकि बस एक बार मुझे अच्छा बोल दे. पीछे से किसी ने बोल दिया, अरे आपके बारे में बता रहा था, आप तो बड़े अच्छे इंसान हो, हमारी छाती 10 गज फूल के बड़ी. तो हम लोग है ना प्रोग्राम है, ये सुनने के लिए कि आप अच्छे इंसान हो. और अच्छा दिखने के चक्कर में पूरी जिंदगी अच्छा दिखना लगते हैं, जहां चाहिए वहां. इस अच्छे दिखने के चक्कर में, लुकिंग गुड और अवॉइडिंग लुकिंग बैड के चक्कर में, कई बार आप किसी को हेल्प मांगनी है ना, नहीं मांगते. जोर से हंसने की इच्छा होती है ना, खुले दिल से नहीं हंसते, चिल्ला के आपको लगता है कि मैं मेरी खुशी जाहिर करूं, नहीं करते. किसी को ना नहीं बोलते, आपके मन में होता है कि इसे नो ना बोल दूं मैं, कि मुझे नहीं आना है तेरे साथ, मुझे नहीं करना है तेरा काम, मुझे नहीं खाना है ये, बट नहीं, ऐसा ना बोल दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नहीं चाहिए तेरा प्रोडक्ट, अच्छा नहीं लगेगा. तो हम खरीद लेते हैं, सुन लेते हैं, मान लेते हैं, खा लेते हैं. और यहां जो मैं हम बोल रहा हूं ना, तो आप ये मत सुनिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूं, ये हम उस पूरी ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करता है. हम मतलब आप और मैं, इस अर्थ से मत लेना, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. और ह्यूमन बीइंग मतलब कौन, कौन बताएगा ह्यूमन बीइंग मतलब कौन? एनीबॉडी? एनीबॉडी? तो हैंड रेज्ड है अंकित सर? नो. अथर्व है. अथर्व ह्यूमन बीइंग म्हणजे काय, यानी क्या? जो खुद के बारे में सोचता है, दूसरों का क्या है जाने दो, पहले अपना देखो. ऐसा बोलने वाले उन्हें, ऐसे बोलने वाले सारे ह्यूमन बीइंग होते हैं ना. यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ ना कि हम मतलब ह्यूमन बीइंग, और अथर्व जब बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग मतलब कौन, तो अथर्व बोलेगा ह्यूमन बीइंग मतलब मैं. यहाँ ह्यूमन बीइंग मतलब मैं है, राइट? यस. किसी को पैसे दिए हैं ना, तो वो वापस मांगने का संकोच करते हैं. ऐसा एक्सपीरियंस कितने लोगों को हुआ है? जिनको हुआ है वो सिर्फ रेज हैंड कीजिए कि आपको पैसे मांगने का संकोच हुआ है, आपने किसी से पैसे लेने हैं और आप नहीं मांगते उसको पैसे, अच्छा नहीं लगेगा ना उसको बेचारे के पास पहले के पैसे नहीं. सिर्फ रेज हैंड रेज कीजिए, मुझे देखना है ये एक्सपीरियंस कितने लोगों ने किया है. 11 थे लोग ऐसा, 12, सिर्फ 11 लोगों को एक्सपीरियंस आया है. 20, 21 बस. 23 हो गए सर. 23 29 एवरीवन. आप याद करोगे ना तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार, पैसे मांगने के बारे में तो मैं बड़ा कमजोर हूँ,
एक्सपीरियंस याद आया, मुझे आज का मेरा एक एक्सपीरियंस याद आया, कई दिनों से ना मुझे एक मेरे दोस्त से पैसे मांगने थे, और मैं जब आपके लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो जैसे मैंने लिखा कि पैसे नहीं मांगते, मुझे याद आया कि यार यार आप तो लोगों को बता रहे हो और आप ही तो नहीं मांग रहे हो कितने दिन से उसको पैसे। मैंने मेरा लिखना मेरा काम छोड़कर पहले उसको फोन लगाया, तो उसने शुरू किया ये है वो है फलाना है ढीकना है, ठीक है ना, आई अंडरस्टैंड कि आपको तकलीफ है, अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप लौट आने का। फिर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि इतने दिनों सिंगे सर के अपने अभी जिन्होंने शेयर किया ना, और वो जिस शादी का बता रहे थे ना एक्सपीरियंस, उसी शादी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उस शादी में वो जो होस्ट थे उन्होंने इंग्लिश सर को बोला था ओरली, ऐसा इंग्लिश सर ने मुझे बोला कि वो शीरीष भाई को भी बुला लेना ना शादी में, और इंग्लिश सर ने मुझे कहा कि शीरीष भाई चलिए शादी में, उन्होंने कहा आपको आना है। अब उस दिन मेरा शादी में जाने का मन नहीं था, उनके साथ में मेरे इतने घनिष्ठ संबंध भी नहीं थे कि मुझे उस शादी में जाना ही चाहिए, लेकिन मैं अगर नहीं बोलूंगा तो इंग्लिश साहब को बुरा लगेगा ना, ये सोच के मैंने वो शादी अटेंड की। तो नहीं जाना होता फिर भी हम फोन पर लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, आधा आधा घंटा तक वो फोन नहीं रखते हैं, और हम उनको बीच में रोक के बोलते नहीं है कि भाई मुझे दूसरा काम है, मैंने अपने फैमिली को टाइम दे के रखा है, आप अभी फोन पे बात मत कीजिए, या अगर किसी को आधा घंटा, आई डोंट से कि आप आधा घंटा किसी से बात मत कीजिए, बट डू इट विथ योर चॉइस। मजबूरी में मैं ना नहीं कह पा रहा हूँ, इसके लिए मैं किसी के साथ में आधा आधा घंटा हाँ हाँ कर रहा हूँ और दिल ही दिल में चिढ़ रहा हूं, दैट इज लुकिंग गुड। किसी शॉप पे जाते हैं और मोल भाव नहीं करते, अवॉइडिंग लुकिंग बैड, ये इंसान यार भाव करता है। लेडीज की आदत होती है अपनी तबीयत ठीक नहीं होती, लेकिन मेहमान आए तो फटाफट, आई डोंट से कि आप मेहमानों का स्वागत मत कीजिए, जरूर स्वागत कीजिए उनका, पर लेट देम नो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर के मेंबर्स को पता हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी पसंद आपकी नापसंद। मैं मतलब पर्टिकुलरली मैंने लेडीज का नाम इसलिए लिया कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। हमारे भाभी है ना, वो हम लोग जब खाना खाने बैठते थे तो भाभी क्या करते थे, वो आखिरी वाली रोटी जो मतलब कोई मान लो कोई डिश बनाई है स्पेशल और वो छोटा सा थोड़ा सा ही बचा है, तो फिर भी आके फोर्स करके मुझे बोलेंगे ले लो ना शीरीष भाई, मैं बोलूंगा क्यों लू आपके लिए है क्या, सर आवाज गेला परत। But you are missing the great experience of greatest experience of your family. पति हाथ बटाने आते हैं, नहीं नहीं आप रहने दो, आप उनको काम नहीं करने देते, अच्छा नहीं लगता ना, आप काम करो अच्छा थोड़ी लगेगा। आपको भूख लगी है, किसी के घर गए हो, उस दिन हमारे इंग्लिश सर शेयर कर रहे थे कि मैंने खाना खाया बिना ही एक हमारे दोस्त के घर चला गया और उधर चाय पी, मैंने सर चाय के साथ मैं बिस्किट क्यों नहीं मांगा, अब तो खाना खाए बिना गए थे तो कहा नहीं मांगा। एक्चुअली इस पर से मुझे एक किस्सा याद आया, मुझे हमेशा बॉम्बे जाने का काम पड़ता था, बॉम्बे किसी ट्रेनिंग के लिए मैं हमेशा ही जाया करता था, महीने में एक बार महीने में दो बार ऐसे मेरी बॉम्बे चक्कर हुआ करती थी, एंड आई वुड ऑलवेज ट्रैवल बाय ट्रेन। तो ट्रेन में जब सफर कर रहा था तो घर से टिफिन लेके निकला था खाने का, एंड आई वॉज इन AC 3, थर्ड AC के बोगी में मैं नीचे वाली जो साइड लोअर बर्थ होती है ना उसके ऊपर सोया था। तो रात के कुछ 10-1 बजे होंगे और फिर भूख लग गई, तो मैंने डिब्बा निकाला थोड़ा सा अपना खाना खाया। अब आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि घर से हमेशा ट्रेन में जब आप देते हो तो बहुत सारा खाना दिया जाता है, तो खाना थोड़ा ज्यादा था, मैंने पैक करके वापस रख दिया, जितना मुझे खाना था खा लिया। देन आई वॉज रीडिंग समथिंग,
बाजू वाली पर टॉप थर्ड जो बर्थ होती है ना ऊपर वाली, उसमें एक स्टूडेंट सोया हुआ, मतलब कुछ पढ़ रहा था, उसका लैपटॉप चल रहा था, लैपटॉप कुछ काम कर रहा था, आई डोंट नो ही माइट बी स्टूडेंट और ही माइट बी प्रोफेशनल, बट ही वॉज वेरी यंग, 25 से 30 साल के बीच का लड़का होगा, 20 से 25 साल के बीच का लड़का होगा। वो 10:30-11 बजे नीचे उतरा, 11 बज गए होंगे ऑलमोस्ट, और उसे देखा मैं जाग रहा था। अच्छा, मैंने जब खाना खाया ना उसे देखा नहीं था कि मैंने खाना खाया नहीं खाया, वो अपना काम कर रहा था। नीचे उतरा, मुझे कहता है अंकल कुछ खाना है। आई वॉज शॉक्ड, इस बात से शॉक नहीं हुआ कि ऐसे कैसे खाना मांगा, इस बात से शॉक हुआ कि अरे यार खाना मांगा जा सकता है आपको अगर भूख लगती है तो। मैं उसकी जगह होता तो नहीं मांगता, अरे मैं पानी नहीं मांगता था ट्रेन। वो घटना उस लड़के ने मुझे सिखा दिया, वो लुकिंग गुड का क्लास ही ले लिया उसने मेरा। उसके बाद एक बार ऐसे हुआ, मुझे प्यास लगी बहुत, ट्रेन में पानी दिख रहा है सामने वाले व्यक्ति के पास में है बॉटल, और मैं लुकिंग गुड में, यार इसने अपने लिए लाया होगा मैं पी लूंगा, बेचारे का उसका पानी कम हो जाएगा, ये होगा, अभी तेरे को प्यास लगी है मांग ले, होगा तो देगा। 2 घंटा रुकने के बाद मैंने उनको पानी मांगा, उन्होंने बोला लो ना मेरे पास एक्स्ट्रा बॉटल है, पियो पियो आराम से। कितना लुकिंग गुड। शादियां करते हैं, शादियों में खर्चा सिर्फ लोगों के नजर में अच्छा दिखाई दे, बड़ी बड़ी स्कूलों में बच्चों को डालते हैं क्योंकि पड़ोसी के बच्चे ने डाला है, क्योंकि मेरे दोस्त के बच्चे ने डाला है, मेरा दोस्त का बच्चा जाएगा इतनी महंगी स्कूल में और मेरा लड़का इस स्कूल में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लुकिंग गुड के चक्कर में वी डू दिस। यहां हमारे सेशन के बीच में शेयर करने की इच्छा है, लुकिंग गुड में नहीं करते, हमारा लुकिंग गुड के चक्कर में सेल्फ एक्सप्रेशन चला गया है, आत्म अभिव्यक्ति हमने गंवा दी, पूरी लाइफ लुकिंग गुड और अवॉइडिंग लुकिंग बैड से भरी हुई। क्या लगता है आपको, आपके लाइफ में है क्या लुकिंग गुड और अवॉइडिंग लुकिंग बैड? डू एनीबडी ऑफ यू वॉन्ट टू शेयर? हमारे क्लास का एक टैगलाइन है कि क्लास का इंपैक्ट, क्लास का फायदा उसे ही मिलता है जो शेयर करता है, बिकॉज व्हेन यू शेयर यू गेट। सो एनीबडी वांट टू शेयर फ्रॉम हिज और हर लाइफ कि उन्होंने कहां लुकिंग गुड किया था? नीलेश सर है। यस नीलेश सर, प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए सर। ये लुकिंग गुड के चक्कर में मेरा एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफी बहुत बड़ा लेसन भी मुझे देकर गया वो। अच्छा। पुणे में था मैं कई साल पहले और अच्छा। मुझे कहीं पे जाना था तो मेरे पास बाइक था और मैं उस शहर में नया था तो मैंने एड्रेस परफेक्टली पता नहीं था मुझे और लुकिंग गुड के चक्कर में मैं जब रोड से जा रहा था हाँ। तो कहीं पे मुझे लग रहा था कि मैं गलत जा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, पर मैंने किसी को पूछा नहीं वहां पे कि भाई ये एड्रेस है तो इधर से जाना है, इधर से जाना है। अच्छा। वही लुकिंग गुड के चक्कर में एग्जैक्टली लोग क्या सोचेंगे और क्या नहीं, और मैं करीब करीब 2 घंटे तक घूमता रहा वहां पर। माय गॉड, और पूछा नहीं किसी को? नहीं कि भाई यानी लोग सोचेंगे कि मैं नया हूँ या फिर जो भी है, लुकिंग गुड के चक्कर में मैं 2 घंटा लगा और बाद में मैं पहुंचा वहां पर। माय गॉड, कैन यू सी द इंपैक्ट? थैंक यू नीले। हाँ, वाज इट लुकिंग गुड और अवॉइड लुकिंग बैड? इनका ना लुकिंग बैड था, दिस वाज अवॉइड लुकिंग बैड। ये जो था लुकिंग गुड था, हाँ it was avoiding looking bad actually. Yeah, avoid looking bad, yes. Ji. Thank you Suresh bhai. Anybody else want to share? Aur koi share karna chahta hai? No sir. Acha, kisi ka hand raise nahi hai? Nahi sir. Okay. Nahi sir.
तो ये जो प्रिटेंशन है ना, ये जो ढोंग है ना हमारा, कई बार हमें ही पता नहीं होता, जैसे कि अल्फिया ने पूछा ये ऑटोमेटिक कैसे है, तो कई बार हमें ही पता नहीं होता कि हम ये ढोंग कर रहे हैं, और कई बार ढोंग करने का पता होने के बावजूद भी ढोंग नहीं कर रहा हूं, ऐसा ढोंग हम करते रहते हैं। यू प्रिटेंड एंड प्रिटेंड दैट यू आर नॉट प्रिटेंडिंग। मैं एक बार यवतमाल जा रहा था, अभी यवतमाल में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हमारी बुआ रहती है, उनके घर रात को 9:30 बजे में पहुंचे, मतलब हमारे मौसा जी की बहन है, और उनके घर 9:30 बजे पहुंच के मेरा खाने का मेरा कुछ व्यवस्था नहीं हुई थी। शाम को 7:30 बजे मैं दारवा नाम के एक छोटे से गांव में था, और वहां सारा कुछ सारे होटलें वगैरह बंद हो गई थी, और मुझे पहुंचते पहुंचते 9:30 बज गए थे, और मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि यार मुझे खाना खाना है तो अच्छा ही लगेगा। और मैं पहुंचा, जाके प्लान के साथ मैं पहुंचा कि उनको बोल दूंगा कि मैं खाना खा के आया हूँ। जैसे गया वहां, वो लोग सारे, मतलब वो बुआ के 2-3 बेटे हैं मेरे, बड़े अच्छे दोस्त है सब, दे आर वेरी गुड पीपल, बोरी में, यवतमाल से कुछ 15-1 किलोमीटर पास में। तो वहां पहुंच के उनको सबने मुझे स्वागत किया मेरा, अरे आओ चलो चलो, अरे आपने पहले फोन करना चाहिए था या बता देना चाहिए था ना, तो हम खाने के लिए रुकते, हमारा खाना अब भी हो गया, मतलब मैं तो खाना खा के आया ना, मेरा खाना हो गया है। तो बोलते अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी रहता है, अरे मेरा फुल खाना हो गया, मुझे खाना नहीं खाना है, आपका खाना हो, चलो थोड़ी देर बैठते और सो जाएंगे। वो बुआ आई, मैं कुछ नहीं जानती, तेरे को खाना खाना ही पड़ेगा, तू कैसे क्या खाना खा के आया, झूठ बोल रहा है। नहीं बुआ बिल्कुल पेट भरा हुआ है, खाना खा के आया हूँ। वो मैं कुछ नहीं जानती, बुआ गई रसोई में, उसने उधर आलू की सब्जी मुझे याद है अभी तक, और गरम गरम फुलके, अभी एक फुलका आ गया खा लिया, दूसरा फुलका आ गया वो भी खा गया, अभी तीसरा फुलका आ रहा था, तो मैंने सोचा यार अपन बोल रहे हैं इनको कि मैं खाना खा के आया हूँ, मतलब नहीं नहीं बस 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 मेरा हो गया। उसने जबरदस्ती मुझे तीसरा फुलका खाने लगाया। आप और मैं इस बात का भी ढोंग कर रहा था कि मैं ढोंग नहीं कर रहा हूं। आई वॉज प्रिटेंडिंग एंड आई वॉज प्रिटेंडिंग दैट आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, एंड ये हमारे सबसे बड़ा इनऑथेंटिसिटी का लक्षण है। सुरेश भाई, हाँ हेलो, तीसरे फुलके के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया, तीसरे फुलके के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके ओके थैंक यू नेमिश। तो तीन फुलके खा लिए और उसके बाद में और 3 खा सकता था। आवाज आ रही है नेमिश? सुनाई दे रहा है? हाँ आ रही है। ओके, तो मैं 6 फुलके खा जाता उस दिन, पर सिर्फ लुकिंग गुड के चक्कर में मैंने 3 फुलके खाए और अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया, और उनको बताया नहीं कि मैं खाना खाए बिना आया था। आई वॉज इनऑथेंटिक इन माई बिहेवियर, और यहां पर इनऑथेंटिक का मतलब मेरा होना और मेरा बर्ताव दोनों भी प्रिटेंशन है, दोनों भी ढोंग है, दोनों भी क्योंकि प्रिटेंशन है और ढोंग है इसके लिए अप्रामाणिक है। मतलब प्रामाणिकता मतलब क्या फिर? तो मेरा होना और मेरा बर्ताव जैसा अपने लिए अपनी नजर में है, उसी तरह दूसरों के साथ भी है। जैसा अंदर हूं वैसा बाहर, कुछ छुपा हुआ नहीं है। दैट इज वॉट बींग ऑथेंटिक। इस इनऑथेंटिसिटी का, इस ढोंग का अपने जीवन पर क्या प्रभाव होता है वो जानने से पहले एक हमारे नेमिश सर का एग्जांपल लेते हैं। नेमिश सर, नेमिश सर आप, आपका शेयरिंग कीजिए ना हम लोगों के साथ। हाँ आ रही है। तो ये स्टैंडर्ड 9 की बात, 9वीं में था जब मैं, तो हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम चल रहे थे, सबके एग्जाम वगैरह दिया हमने, फिर कुछ दिनों बाद पेपर चेकिंग का करने को मिले हमारे को, तो उसमें एक क्वेश्चन मैं जब देख रहा था तो वो आंसर तो राइट था,
उसको सर ने रॉन्ग दिया था, तो उसी क्षण में सर के पास गया कि सर ये तो राइट हैंड सर, आपने कैसे रॉन्ग दे दिया। तो सर ने मुझे बताया कि नहीं मिश, इसमें पूछा कुछ और गया है और तुम लिखा कुछ और है। तो जब सर ने शेयर किया मुझे क्लिक हुआ एक चीज, जब वो क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा था ना एग्जाम टाइम में, तब मुझे एक डाउट आया था थोड़ा कि इसको पूछ ले कि क्वेश्चन वाकई में ऐसा है पूछा गया है या कुछ और पूछा है। तो उस टाइम पे मुझे अवॉइड लुकिंग बैड आया यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी नहीं समझ रहा ऐसा पूछोगे तो कैसा होगा, बाकी सब हंसेंगे भी, मे बी सर को भी ऐसा लगेगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी समझ नहीं रहा इसको। उस चक्कर में मैंने पूछा ही नहीं, पर मुझे याद आया कि मैंने ब्रा पूछने का कारण मेरा ये आंसर रॉन्ग हो गया। और इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ मैं कि हमारे असाइनमेंट के दौरान है ना, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि असाइनमेंट के टाइम पे हमने बहुत से बार बहुत से पार्टिसिपेंट का ऐसा आंसर मुझे आया हुआ है जो हमने पूछा कुछ और गया है और आंसर कुछ और दिए उन्होंने, तो मुझे उससे भी याद आया किस्सा, इसलिए मैंने आज शेयर किया। और ये मेरा अवॉइड लुकिंग बैड था उस टाइम पे, ये भी मुझे याद आया। थैंक यू सुरेश भाई। हेलो हेलो, तो इस लुकिंग गुड का और अवॉइडिंग लुकिंग बैड का हमारे जीवन पर परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है? सबसे बड़ा और पहला प्रभाव तो यह है ना कि हमारे रिश्ते में से जो मजा है ना वो निकल जाता है, रिश्ते में की जादू गायब हो जाती है। क्योंकि रिश्ते के बेस, रिश्ते का बेस किस चीज पर निर्भर है? लुकिंग गुड पर और अवॉइडिंग। आपको एग्जांपल फिर से याद करवाता हूँ कि वहां जाके फ्रैंकली बोल दिया रहता था, बुआ आज का तो है ना आज मुझे शाम से खाना ही नहीं मिला, मेरे लिए फटाफट तो दो फुलके डाल और मुझे खाना खिला बोला। सी उसको कितना मजा आ गया रहता ना, कितनी खुश हो गए रहते ना वो। पर नहीं, मैंने उनको बोला भी एक दिन, मैंने बोला आपको पता है, दूसरी बार, दूसरी तीसरी चौथी बार पता नहीं कब मैंने बताया, तो एक बार लेकिन मैंने उनसे ये बात मेरी शेयर की थी कि उस दिन मैं आया था ना तो मैं भूखा आया था, तो ऐसे हंस रहे थे बेटा बोल देना चाहिए ना तेरे को, अच्छा होगा मैंने खाना खिला दिया, नहीं तो भूखा सो जाता उस दिन। वो मैंने कहा और हमारा रिश्ता फिर से जैसा था वैसा हो गया। तब तक कहीं तो फॉर्मैलिटी का, कहीं तो लुकिंग गुड का, अवॉइडिंग लुकिंग बैड का पर्दा हम लोगों के रिश्ते के बीच में आ गया था। हमारा समय जाता है। देखिए अभी नीलेश दुबे जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल शेयर किया कि हमारा टाइम जाता है, दो घंटे घूमते रहे किसी को पूछा नहीं, कई बार दो दो घंटे कोई स्पीच सुनने जाते हैं हम और सब लोग बैठे हैं तो उठ के कैसे जाओ, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा वो भाषण सुनते रहते, जरा मजा नहीं आता होता है उसके अंदर। लेकिन सिर्फ उठूंगा तो सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे और वो अच्छा दिखेगा नहीं, हमारा टाइम जाता है, पीस ऑफ माइंड चला जाता है, शांति नहीं रहती दिमाग को, यार ये आदमी कितना बोल रहा है, यहां मुझे नहीं करना था काम, मुझे करना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है, फिर भी जब वो आपका कोई काम आप करते हो ना, आपका पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है, मन की शांति नहीं होती है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, आर्थिक नुकसान होता है, शादियों में किसी को पैसे उधार दे दिए वापस उधारी नहीं मांगकर, या बिजनेसमैन लोग उधार दे देते हैं लुकिंग गुड लेके जा भाई अच्छा नहीं लगेगा ना, बोर्ड लगा होता है आज नगद कल उधार, दे डोंट फॉलो दैट, फाइनेंशियल लॉस होता है, आपका लाइफ में लीडर बनने का मौका खो देते हैं आप। कई बार पूछा जाता है ना, कोई ग्रुप बनता है कौन लीडर बनेगा, सर उसको बनाओ उसको बनाओ, मैं लीडर बनूंगा ऐसा हाथ खड़ा करके बोलने वाले कितने हैं, यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ लीडर। तो इतने सारे चक्कर इस लुकिंग गुड और अवॉइडिंग लुकिंग बैड ने हमारी जिंदगी में करके रखे हैं, क्या करना है इसका, निकलना है इसमें से। अगर निकलना है लुकिंग गुड और अवॉइडिंग लुकिंग बैड में से तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैं जानना चाहता कि कितने लोग इस
लुकिंग गुड के चक्कर में परेशान है, ना नहीं बोल पाते, नुकसान कर लेते खुद का। 12 पार्टिसिपेंट है सर। 12 लोगों के बोलूं मैं? 17, 18, ओके, 23, 4, 23, ओके, 5, 25, 28 लोगों की फ्रीली और पावरफुली जीने की इच्छा है, वो हैंड रेज कीजिए कि मैं इसके बाद ये लुकिंग गुड मुझे रोकेगा नहीं, मैं फ्रीली जीऊंगा या फ्रीली जीऊंगी। 32 सर। 32 30 बस। 33 34 5। इतने बड़े चक्कर में से बाहर निकलने वाले हो अगले 15 मिनट में। 35 सर, 35 पार्टिसिपेंट। ओके, थैंक यू फॉर रेजिंग द हैंड्स। और जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है उनके लिए भी कि लेट मी अगेन क्लियर विथ यू कि इसमें से परमानेंटली छूटना नामुमकिन, परमानेंटली नहीं छूट सकते क्योंकि ह्यूमन बीइंग का बीइंग हो गया ना, प्रोग्राम्ड हो गया ना, एक बार प्रोग्रामिंग रिवर्स नहीं होता। लेकिन आप इसको रोक जरूर सकते हैं, इसमें से बाहर जरूर निकल सकते हैं, और उसके लिए पहला रिक्वायरमेंट है आपकी फ्रीली और पावरफुली जीने की तमन्ना, जीने की आपकी इच्छा। दो चीज करनी, पहला अपनी इनऑथेंटिसिटीज जो भी है, अपना ढोंग जो भी है, जहां भी आप कर रहे हो वहां जाके ऑथेंटिकली डिक्लेयर कर, हाँ अच्छा थोड़ी लगेगा, फिर आपका के आके बोलेगा कि मत कर, डिक्लेयर अच्छा नहीं लगता, करके देखो क्या मजा आएगा। एक बार करके देख लो कैसे करेंगे। सर अल्फिया को कुछ शेयर करना है। हेलो सर, हेलो सर, क्योंकि हम लोग बचपन से सीखे हैं ना, ये अच्छा नहीं दिखता, ये मत करो वो मत करो, और इस ये मत करो वो मत करो को हमने हमारा सुरक्षा कवच बना लिया। हमको खतरा क्या है, लोग क्या कहेंगे। अब इस लोग क्या कहेंगे में से बाहर आने के लिए आपको मार्ग बता रहा हूं। ये जो है ना लुकिंग गुड, ये इनऑथेंटिसिटी है, एक ढोंग है। हाँ सर, सुरेश भाई, ये जो भी हुआ है ना वो दैट इज डन अननोइंगली, हमको पता नहीं है हम ऐसे बन गए। हाँ, अल्फिया का जो क्वेश्चन है उसका बेस जो है, हाँ तो वो ऐसा है कि हमको पता नहीं है कि हम ऐसे बन गए। हाँ, we don't know that, it has been done automatically, हमारे जानकारी के बाहर हुआ है, अपने आप हुआ है, जानबूझ के नहीं हुआ। तभी आपने पूछा था ना, जानबूझ के नहीं करते, अपने आप होता है। किसी को ना नहीं बोल पाते, उसको फ्रैंकली जाके बोल दो कि उस दिन मैंने आपको ना नहीं कहा क्योंकि मैं लुकिंग गुड में गया। देखिए, ना नहीं कहा तो मुझे आपको ना बोलना था उस दिन, आपकी वो बात गलत थी, यू आर नॉट गोइंग टू ब्लेम हिम। आप उस बात को अपनी इनऑथेंटिसिटी उसके साथ में शेयर कर रहे हो, वो सही था कि गलत था ये शेयर नहीं कर रहे हो, कि आपने कहा और मैंने ना नहीं कहा, आपने उस दिन उधार मांगा मुझसे और मैंने आपको उधार दे दिया। सही में बताओ, वो मेरे उधार देने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, हमारी दुकान में है ना उधार,
आपका आवाज नहीं आ रहा है। ब्रैंक आदमी है सर, उधार नहीं दे दूंगा, ये यहाँ से आवाज ही नहीं आया। ओहो नहीं, नहीं कमो प्लीज। अभी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो उस दिन आपने मुझे उधार मांगा, यहां से शुरू करूं मैं गौरी? जी सर। उस दिन आपने मुझे उधार मांगा और मैं आपको उधार नहीं देना चाहता था, लेकिन उधार नहीं दूंगा तो आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, इस चक्कर में मैंने आपको उधार दे दिया। ये मेरी इनऑथेंटिसिटी थी, वो मेरा ढोंग था। सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, अरे बोल देना था ना, तेरे दुकान का रूल था, क्या प्रॉब्लम है? आपकी इनऑथेंटिसिटी जब ऑथेंटिकली आप शेयर करते हो ना, आपकी अप्रामाणिकता आप जब प्रामाणिकता से शेयर करते हो तो आप उसके उसमें से उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। इसका अनुभव करके देखिए, जहां जहां भी आपकी इनऑथेंटिसिटी, अभी मैं जब एग्जांपल दे रहा था ना आपको, अपने लाइफ के एग्जांपल्स याद आते हैं, जहां जहां भी ऐसा हुआ है ना वहां जाके उस व्यक्ति से बात कीजिए और आपकी उस समय की अप्रामाणिकता को उनके सामने बयां कर दीजिए कि आई वॉज इनऑथेंटिक एट दैट टाइम। ऑथेंटिकली बता दीजिए कि मेरी अप्रामाणिकता थी। और दूसरी बात आपको करनी है, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। उतनी ही रक्षा करता है, उतनी ही परवाह करता है सर। यस आपने जब से दूसरी बात बोला तब से आवाज नहीं आया आपका, और इसके पहले नीलेश सर को कुछ शेयर करना है। ओके हाँ नीलेश सर। श्रीज भाई। हाँ नीलेश। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि लुकिंग गुड और अवॉइड लुकिंग बैड ये सही है, पर मेरा एक सब्जेक्ट ऐसा है कि मेरा बॉस बहुत सी बार मुझे काम दे देता है एक्स्ट्रा काम, जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। आवाज चली गई। हेलो हेलो आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। अभी ये मेरा जो बॉस है श्रीज भाई, ये कई बार मुझे ज्यादा काम दे देता है, एक्स्ट्रा वर्क दे देता है जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ तो उस चीज में मैं उसको किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे तो मुझे लुकिंग गुड दिखना है या फिर अवॉइड लुकिंग बैड करना होता है। मेक इट करना है। हाँ, कुछ तो मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो वो फिर वहां पे मेरे को अप्रिसिएशन नहीं देगा। हाँ बराबर है। तो कैन यू शेयर विथ हिम ऑथेंटिकली बाद में, अभी जो हो गया वो हो गया ना, अब तक तो आप उनसे जाके बात कर सकते हो कि सर उस दिन आपने काम दिया था ना वो मैंने कर तो दिया, पर है ना मुझे बहुत बोझ हो गया था उस काम पर, मेरे दिल से करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन नहीं करूंगा तो आपको बुरा लगेगा, इस चक्कर में मैंने वो कर दिया, क्या बोलेंगे? राइट राइट सही है। ओके है ना, करके देखता हूँ जी। हाँ एक्सपीरियंस उनके साथ में ऑथेंटिकली शेयर कीजिए ना, और साथ साथ में से डोंट इनवैलिडेट हिम, आप मुझे ज्यादा काम देते हो। Don't say this, because he is doing his duties, no? So when honest feedback with opening for future, ये जब आप देते हो ना, तब आप स्पष्ट रखते होते, तब आप हाँ उसको honest feedback दीजिए ना, हर कोई हर level पे feedback चाहता है अपनी जिंदगी का। जी जी और उसको future का opening भी दीजिए, appreciate him for his work and share कि मेरा ये अवॉइड लुकिंग गुड था, और उनको ये बोलिए ना कि हमारा क्लास हुआ उसमें मुझे वो याद आया। एंड शेयर विद हिम, ही विल बी योर फ्रेंड। ओके राइट। ओके राइट या थैंक यू दिलीप। सो कई बार किसी को फीडबैक देना होता है, किसी ने पूछा कैसा हुआ मेरा स्पीच, अरे बहुत बढ़िया हुआ, कैसा था मेरा काम, अरे बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं ना कि उसको मैं बोलूंगा कि ये ऐसा नहीं हुआ तो उसको बुरा लग जाएगा। बट व्हेन यू गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक विथ ओपनिंग फॉर फ्यूचर, उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगता।
वो आपकी ऑनेस्टी की कदर करता है। मैं जब 10th पास हुआ ना तो मुझे साइंस में और मैथमेटिक्स में बहुत कम मार्क्स थे, बट आई वॉज गुड इन लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, और तमन्ना थी डॉक्टर बनने की, डॉक्टर बन जाओ साइंस ले लू, क्योंकि बाकी सब लोग ले रहे थे ना साइंस। तो मैं हमारे पास में एक जलतारे एडवोकेट जलतारे रहते थे, वो जो जलतारे काकू थे नहीं रहे अभी, उनके पास मेरी मार्कशीट लेकर गए। उन्होंने कहा वेरी गुड मार्क्स, और आप बीए में एडमिशन, मुझे बीए का कह रहे हैं, मुझे डॉक्टर बनना है। सही, उन्होंने देखा मेरी मार्कशीट और उनको लगा कि मैंने बीए में एडमिशन लेनी चाहिए। He said you will do very good in arts। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, देखो ना आपके साइंस के मार्क्स। No, she found कि यहां मैं इसको क्या फीडबैक दूं। उसने लुकिंग गुड भी नहीं किया और उसने मुझे दुखी भी नहीं होने दिया। That is what being straightforward, that is what being authentic in your feedbacks. तो जैसा आपको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है ना, वैसा ही सभी को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। डोंट इनवैलिडेट देम, उनको इनवैलिडेट नहीं करना है, उनको गलत साबित नहीं करना है, आपकी अनऑथेंटिसिटी चेक करना है और स्पष्ट होता हूं। सी यू विल लिव वेरी मच फ्री एंड पावरफुल लाइफ विथ फुल पीस ऑफ माइंड। तो अभी मैं आपको ओरली असाइनमेंट बोलता हूं, आपको आपके टीम मैनेजर्स असाइनमेंट्स हिंदी में शेयर कर देंगे। आज का सेमिनार आपको 5 लोगों के साथ में शेयर करना है और अपनी इनऑथेंटिसिटीज उनके साथ में शेयर करनी है, अपने लुकिंग गुड्स उनके साथ में शेयर करना है। इस प्रैक्टिस में रहना है अपनी कि मेरी इनऑथेंटिसिटीज कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मैं ढोंग कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ऑटोमेटिक है ना कि आपको दिखाई नहीं देगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑफ बीइंग प्रेजेंट, प्रेजेंट रहना है और इस प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ कहाँ मैं लुकिंग गुड कर रहा हूं। कम से कम 10 लोगों के पास जाकर अपनी इनऑथेंटिसिटीज शेयर करनी है, जहां आपने लुकिंग गुड या अवॉइड लुकिंग बैड किया है। जस्ट इस बात के आगे निकल जाना है, लुकिंग गुड और अवॉइडिंग लुकिंग बैड के बाहर की जिंदगी कैसी थी ये लिखना है। सो 4 थिंग्स, 5 लोगों से शेयर करना है, उनको अपनी इनऑथेंटिसिटीज बतानी है, 10 लोगों के साथ जिनके साथ आपने लुकिंग गुड और अवॉइडिंग लुकिंग बैड किया है वहां अपनी इनऑथेंटिसिटी शेयर करनी है, और ऑथेंटिक लाइफ का अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करना है। ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? आज के ट्रेनिंग में बहुत डिस्टर्बेंस रहा, कई चीजें हो सकता है आप तक सीधे सीधे ना पहुंची हो, तो प्लीज अपने ट्रेनर से इसको क्लियर कर लेना, ट्रेनर से सवाल पूछ लेना, लुकिंग गुड में मत जाना। अवॉइड लुकिंग बैड में मत जाना, अवॉइड लुकिंग हाँ खराब दिखेगा, अवॉइड लुकिंग बैड में मत जाना। हाँ चंद्र ने पूछा कि समझ में आ गया, हाँ हाँ समझ में आ गया, दैट इज लुकिंग गुड। नहीं समझ में आया, दैट इज अवॉइडिंग लुकिंग बैड। नहीं समझ में आया ये नहीं बोला, that is avoiding looking bad। So, no questions, thank you। आप सबने ये disturbance वाला सेमिनार भी
बहुत ही पेशेंस के साथ सुना। स्टिल 64 लोग हमारे साथ में हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट इन द क्लास एंड विश यू हैव ऑल हैव अ वंडरफुल लाइफ, बैरियर फ्री लाइफ, लुकिंग गुड फ्री लाइफ, अवॉइडिंग लुकिंग बैड फ्री लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अंकित सर एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए। यस सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर, श्री कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, good night, you all have a very great life, good night, thank you sir, thank you so much.